वीआईपी के रुपया लगता है 1200 एक हजार लगता है। अरे बाप रे, बड़ी महंगा ना हो गया है। महंगा हो गया है। तो देख रहे हैं कितना काम हो रहा है। अच्छा, नाच देखते हैं आपकी। देखबे करते हैं, अभी देखते हैं तो मजा आता है देखने में। तो मजा नहीं आएगा तो थिएटर का मजा कैसा रहेगा। अच्छा, मतलब देखा जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा मजा आता है नाच देखने में, है ना? हाँ। कब से नाच देख रहे हैं? हम तो बचपने से देख रहे हैं। बचपने से देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। एक और वीडियो में वापस आप सबका स्वागत हो। और इस वक्त हूँ मैं सोनपुर मेला, जो कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध मेला है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है सोनपुर मेला में। और ये मेला जो है वो 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। और मैं इस वक्त हूँ पायल एक नज़र थिएटर के आगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो चलने वाली चीज़ें होती है थिएटर। और थिएटर में ऐसी रंग मस्ती है, यहाँ पे ऐसी धूम मस्ती है कि लाखों लाख लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। तो सारे दर्शकों का ये रिक्वेस्ट था कि अभी सोनपुर मेला का जो थिएटर है उसका क्या हाल है, क्या सीन है, कितना काम हुआ है और कितना बाकी है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करने के लिए आया हुआ हूँ सोनपुर मेला में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थिएटर की जो काम है उसका कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हो, ये पायल एक नज़र जो थिएटर है उसका बाहर का सीन है, और अंदर जो है वो काम कंटिन्यू चल रहा है इस थिएटर का। तो चलिए मैं अंदर आपको दिखाता हूँ कि थिएटर का काम कितना हुआ है और कितना बाकी है। देखिए, जो मेन गेट है उसका काम किया जा रहा है, जितने भी यहाँ पे मजदूर हैं उनके द्वारा जो है वो काम किया जा रहा है, और बहुत सारे काम हो गए हैं, बहुत सारे काम बाकी है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे काम चल रहा है पायल एक नज़र थिएटर का। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ये जो मजदूर भाई है ये भी सारे लोग यहाँ पे जो है वो काम में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? बहुरन प्रसाद। कब से काम कर रहे हैं इस थिएटर में? इसमें काम कर रहा है 31 तारीख से। 21 तारीख से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, 4 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये जो 25 तारीख तक फाइनल हो जाएगा। तो ये जो भाई साहब हैं वो इस थिएटर को बनाने का काम कर रहे हैं। और ये देखिए, अंदर से कुछ इस तरीके के रेडी हो चुका है पायल एक नज़र थिएटर, आप देख रहे हो इस वक्त, जो कि सोनपुर मेला में है और सबसे प्रसिद्ध थिएटर में से एक ये है। और देखिए, सामने जो है वो बतख वगैरह घूम रहा है, और अंदर का जो सीन है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, सामने जो है वो ये जितने भी चीज़ें आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो है वो मेन गेट का सामान है, और ये गेट पे लगाया जाएगा। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा जो है वो अभी बना हुआ है, काम चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे किया गया है। भैया, आप ही ये सारे काम करवा रहे हैं? नहीं, अपना ही थिएटर है, लेकिन अच्छा, भाई का थिएटर है। अच्छा, आपके भाई के थिएटर है। सब पार्टनर है, सब लोग भाई। कितने टाइम से इसमें काम चल रहा है? काम तो पिछले 10-15 दिन से चल रहा है। 10-15 दिन से काम चल रहा है। और ये कब तक रेडी हो जाएगा बनकर? 25 को उद्घाटन है, और अब देखिए प्रशासन कितने तारीख को लाइसेंस देता है, उसके बाद। अच्छा, एक और चीज दर्शक जितने भी है वो जानना चाह रहे हैं कि इस साल यानी कि 2023 में जो है वो कहाँ कहाँ से नृतक जो डांस करने वाले लोग हैं, कलाकार जो है वो कहाँ कहाँ से आने वाले? दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, बहुत जगह है। मुंबई से भी आने वाले हैं? शायद मुंबई से भी, और बड़े बड़े कलाकार भी आएंगे। बड़े बड़े कलाकार जी, बिल्कुल। इस बार जो पब्लिक है, हाँ, जो मेला घूमने आते हैं, जो भक्तजन है, वो सबके लिए पूर्ण व्यवस्था है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो व्यवस्था है और कहाँ कहाँ से कलाकार आ रहे हैं उनके विषय में यहाँ के जो संस्थापक हैं, जो चीज़ों को संभालते हैं, उन्होंने बताया। और कुछ इस तरीके से माहौल अभी जो है वो बना हुआ है इस थिएटर का। अभी जो आप देख रहे हो ये पायल एक नज़र थिएटर है, वो देख रहे हो। और कुछ इस तरीके से जो सामने का जो मंच है वो उसका नज़ारा आप देख रहे हो। ये यहाँ पे जो कलाकार होते हैं वो ऊपर चढ़कर जो है वो डांस करते हैं। पीछे की जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो कलाकार हैं वो पीछे किस तरीके से रहते हैं और मंच पे किस तरीके से आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, हमारे साथ आप कंटिन्यू इस ब्लॉग में बने रहिए, और आइए मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे जितने भी नृतक आते हैं, जितने भी डांसर आते हैं, जितने भी कलाकार आते हैं,
आप हमेशा जो स्टेज है उसके आगे देखते हो, उनके पीछे की जो दुनिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, वो सारी चीजें दिखाता हूँ। आइए आप हमारे साथ। तो गाइस, जो डांसर आते हैं, जो नृत्यक आते हैं, जो कलाकार आते हैं, उनके रहने की जो व्यवस्था है कुछ इस तरीके से, उनके छोटे छोटे जो है वो कमरे बनाए जाते हैं और इसमें उनको रहने की जो है वो सुविधा दी जाती है। इस साइड में भी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर भी एक जो है वो कमरा बनाया गया है और कुछ इस तरीके से उनके रहने की जो जगह है वो बनाई जाती है। इधर जो है वो उनके खाने पीने की जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे रखी जाती है। तो कुछ इस तरीके से उनके लिए रहने की व्यवस्था होती है। और सामने ही जो है वो स्टेज होता है, वहाँ पे ये लोग परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे वो लोग अपना जो कलाकारी है वो दिखाते हैं। ये सारे भाई जितने भी दिख रहे हैं वो बैक स्टेज के पीछे का जो काम है वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, ताकि आप जो आनंद लेते हो डांसर का, नृत्यक का, वो सारी चीज़ें देख पाते हो। ये देखिए, ये भी जो रूम है वो उनके लिए ही बनाई गई है और ऐसी जगह पे ही जो है वो रहते हैं। तो कुछ इस तरीके के उनके रहने सहने की जो है वो व्यवस्था की जाती है। ये देखिए, छोटे छोटे जो है वो रूम बनाए गए हैं। और ये बैक स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। आगे देखिए, यहाँ से जो जितने भी नृत्यक होते हैं, जितने भी डांसर होते हैं, वो सारे यहाँ से जो है वो स्टेज के ऊपर चढ़ते हैं और इस जगह पे आकर जो है वो सारे परफॉर्म करते हैं। ये जो आगे की लाइटिंग होती है उसके लिए ये सारी चीज़ें लगाई जा रही है और इसी जगह पे जो है वो परफॉर्मेंस अपना देते हैं जो कलाकार होते हैं। और सामने जो है वो दर्शक होते हैं और वो सारे दर्शक जो है वो परफॉर्मेंस को देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो सारे डांसरों का पीछे का जो कहानी है वो हमने दिखाया अपने ब्लॉग के जरिए, आपको इन्फॉर्मेशन दिया। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सारे भाइयों के पास में भेजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये पूरी थिएटर की दुनिया से जानकारियाँ रही जो हमने आप तक पहुँचाने का काम किया। ये जो आप थिएटर देख रहे हो ये सोनपुर मेला में सबसे प्रसिद्ध थिएटरों में से एक है। तो चलिए, मैं और भी जो थिएटर है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो ये शोभा थिएटर है और यहाँ पे तीन थिएटर एक साथ में बनाए जा रहे हैं। एक शोभा थिएटर है और इसके ठीक पास में एक और थिएटर है, आप ये देख सकते हो, और इसके पास में, यानी तीन थिएटर जो है वो एक साथ में बनाए जा रहे हैं। चलिए, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो थिएटर का काम है वो कितना परसेंट किया गया है और क्या क्या काम जो है वो चल रहा है, कितने टाइम में ये रेडी हो जाएगा। भैया, ये कौन सा शोभा थिएटर है ना? कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं, हाँ, चार पाँच रोज हो गया। चार पाँच दिन हो गया। और ये कितने दिन में काम खत्म हो जाएंगे यहाँ पे? 26 तारीख तक के। 26 तारीख के बाद रेडी हो जाएगा? रेडी। चलिए, तो 26 तारीख के बाद जो है वो रेडी कर दिया जाएगा यहाँ पे। अभी मैं शोभा सम्राट थिएटर जो है उसके अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ पे चीजें चलाते हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो थिएटर है वो कब तक के रेडी हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं। भैया, आप लोग ही यहाँ के कार्यकर्ता हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। संजय जी नाम हुआ। और ये कब से काम चल रहा है थिएटर का? ये चल रहा है 10 दिन से। 10 दिन से काम चल रहा है और कब तक रेडी हो जाएगा ये? ये 25 तक रेडी हो जाएगा। 25 तक रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नृत्यक है, जो डांस करने वाले जो कलाकार है, वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं इस जगह? ये सब मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, ये सारी जगह से आ रहे हैं। कितने डांसर आ रहे हैं यहाँ पे? 100 डांसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसका टिकट का किराया क्या होगा, कुछ आइडिया है आपको? उसे अभी नहीं डिसाइड हुआ है। वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि यहाँ के कार्यकर्ता है, उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ का जो टिकट का किराया है वो अभी तक के डिसाइडेड नहीं हुआ है, तो वो जो डिसाइड है वो थिएटर रेडी होने के बाद की जाएगी। और ये देखिए, यहाँ पे जो ऊपर का तिरपाल लगाने का कार्यक्रम है वो कंटिन्यू चल रहा है और ऊपर जो है वो तिरपाल वगैरह लगाया जा रहा है। जो ऊपर की चीज़ें हैं ये भाई साहब जो है वो मशीन पे काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहन कुमार। ये जो काम कर रहे हैं कपड़े की, इसका टेंट के लिए जी, कितने टाइम से काम कर रहे हैं? आज से ही। अच्छा, आज से ही कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है काम करने में? शो देखने आइएगा कि नहीं? देखते हैं। देखते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये भाई साहब, ये देखिए जो नाम है वो लिखा जा रहा है, शोभा सम्राट थिएटर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थिएटर है और इसका जो कलाकारी है
वो ये भाई साहब जी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम जी। नाम लिखने का काम कर रहे हैं जी? बहुत बढ़िया। कब से काम कर रहे हैं ये वाली? आप ये वाली तो कम से कम 5 दिन से चल रहा है। 5 दिन से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। हम्म। ये जो थिएटर होता है वो देखने के लिए आते हैं आप? देखबे करते हैं। आप भी देखते हैं? तो मजा आता है देखने में? तो मजा नहीं आएगा तो थिएटर का मजा कैसा रहेगा? अच्छा, मतलब देखा जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा मजा आता है नाच देखने में, है ना? हाँ। कब से नाच देख रहे हैं? हम तो बचपने से देख रहे हैं। बचपने से देख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो टिकट उकट तो नहीं लगता होगा आपको? मेरा टिकट क्या, मेरा थिएटर का काम ही होता है तो वही ना, आप तो थिएटर बनाते हैं तो आपका टिकट को की लगेगा? नहीं, टिकट नहीं लगता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग को फ्री में एंट्री दिलवाइएगा? तो आइए आइए। आपको तो पैसा कैसे कमाए होगा जब फ्री में एंट्री दिलवा दीजिएगा? तो फ्री में 10 मिनट 15 मिनट तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये बात सही है, 10-15 मिनट से ज्यादा हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम देखेंगे। हाँ सही पकड़े हैं आप। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये भाई साहब जो है वो जो नाम लिखने का काम है वो कर रहे हैं, और देखिए सामने भी कुछ मजदूर लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, और सामने जो है वो स्टेज का काम चल रहा है। जितने भी नृत्यक यहाँ पे आते हैं वो सामने स्टेज का जो परफॉर्मेंस है वो यहीं से देते हैं। यहाँ पे 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 100-100 नृत्यक जो हैं वो डांसर जो हैं, जो कलाकार हैं वो यहाँ पे जो है वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं, और इस जगह पे जो है वो सारे दर्शक जो हैं वो यहाँ पे सामने यहाँ वहाँ कतार में लगकर बैठकर जो है वो उसका लुत्फ़ उठाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण पंडित। लक्ष्मण पंडित, इसके इस साइड का वीआईपी वाला एरिया है? हाँ, वीआईपी वाला एरिया है। अभी भी वीआईपी वाला किधर है? इधर है। अच्छा, वीआईपी उधर है। वीआईपी के क्या रुपया लगता है? 1200 1000 लगता है। अरे बाप रे, बड़ी महंगा ना हो गया है? महंगा हो गया है। तो देख रहे हैं कितना काम हो रहा है। अच्छा, नाच देखते हैं आपकी? नहीं नहीं, नाच नहीं देखते। तो खाली बनाते हैं महाराज? बनाते हैं, खुद मजा नहीं लेते हैं? तो क्या नाम हुआ आपका? अरे आपका नाम क्या हुआ? हम सब ना जानते, हम ना बतलाते हैं सब। ना बतियाइएगा बोल। अरे बोलने में कहा है, इसमें जो नॉर्मल बात करते हैं वो बात कीजिए ना, उससे बताइए। एक मोटे मात्री क्या नाम हुआ आपका? अरे काहे शर्मा रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? चंद्रिका पंडित। क्या ये वायर लगाने का काम कर रहे हैं? अच्छा, लोगों को कंट्रोल में रखा जाए इसके लिए ना। हाँ हाँ। तो आप डांस उस देखते हैं कि नहीं? कभी काल, कभी काल। सप्ताह में एक आध दिन आ गए। अच्छा, सप्ताह में एक आध दिन, यही तो महीनों भर डांस चलता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई साहब जो है वो बोले कि कभी कभी देखते हैं, कुछ ऐसा सीन है। कोची कर रहे हैं आप? गड्ढा खोद रहे हैं? हाँ। इसमें कुछ बांस डालिएगा? बांस डालेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, नाच उच देखते हैं कि नहीं? नहीं, हम नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं? काहे ना? ना देखते हैं। रुपया ना चाहिए देखने के लिए? नहीं जी, तो आप बना रहे हैं तो आपको रुपया कौन लेगा? आप तो फ्री में देख लेंगे। कैसे? मालिक देखने देंगे। तो बोलिए ना मालिक को कि हम तो इतना काम किए हैं तो हमको से भी पैसा लीजिएगा। आप लोग तो इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं कीजिएगा तो नचवा करे होगा कैसे? नचवे नहीं होगा? नचवे नहीं होगा। तो बोलिए मालिक को कि हमको भी देखने दीजिए, पैसा वैसा ना देंगे हम? ना देख, घुसने देते हैं। घुसने देते हैं ना, कभी कभी देख लेते हैं ना। आइए सामने न्यूज आप ये लगी नहीं बोल रहे कि घरवा वाला देख लेगा आपको, है ना? तो गाइस, कुछ इस तरीके से यहाँ के जो मजदूर भाई हैं वो सारे लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं, दो रोटी कमाने के लिए सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। सारे लोग अपनी कमाई का जो जरिया है वो किसी न किसी तरीके से ढूंढते हैं, और सारे लोग अपने अपने हिसाब से जो है वो काम करते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके का माहौल यहाँ पे बना हुआ है, और ये है 100वां सम्राट थिएटर जो कि सोनपुर मेला में रेडी किया जा रहा है, सबसे प्रसिद्ध थिएटरों में से एक थिएटर। ये देखिए कपड़े का जो काम है वो चल रहा है।